वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू माय लवली एम्बियंस एंड यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग दैट फिर से राइड नहीं नहीं आज राइड पे नहीं जा रहा, ये व्हाइट पेन है इसलिए उस कवर करने के लिए मुंबई जा रहा हूँ। हमारे जो डोंबिवली और मुंबई वो अलग अलग है, हमारे यहाँ से मुंबई ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है। अब वो किसके साथ जा रहा हूँ आपको वो मैं शायद से जो ब्लॉग में नहीं शेयर करने वाला। और 15 फरवरी सेलिब्रेट करने से पहले मुझे उन वीरों के लिए नमन करना है। यस गाइस, आज पुलवामा अटैक हुआ था तो उन सारे हीरोज के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है उन लोगों के लिए कंडोलेंस। तो गाइस निकलते निकलते एक छोटा सा नुकसान हो गया, जो एयरपोर्ट्स का केस था वन प्लस का वो गिर गया, वो पीछे गिर गया। आधा घंटा ढूंढा तभी भी मिला नहीं, कुछ चंद लोगों ने चिल्लाया था कि ओ रुको, तो हमने सुना नहीं। और जब हमने देखा कि चम्मा इला हमारा वो वन प्लस का केस कहाँ है, केस तो गिर गया और हमारा दोस्त गया। मैं जब भी इस लेन पे होता हूँ 100 क्रॉस होता हूँ, बट आज शायद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बिकॉज आज मंडे है और ये पिक टाइम है, 1 बज रहे हैं। वैसे मुंबई में तो हर टाइम पिक टाइम ही होता है। व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट गाइस, ये गर्मी, रात में ठंडी दिन में गर्मी, वाट लग गई है हमरी। और जो गाइस थोड़े दिन में मेरी अभी एक और एक राइड निकलने वाली है, वो राइड अभी गर्मी में होने वाली है। मैंने बारिश में ठंडी में बाइक राइड की है बट अभी गर्मी में बाइक राइड नहीं की है, बहुत हाल बेहाल होने वाले हैं हमारे। और हमने एक्सपेक्टेड टाइम रखा था अंधेरी पहुंचने का 2 बजे का, बट ऐसा लग रहा है कि आज हम लेट पहुंचेंगे क्योंकि ट्रैफिक है बहुत। भाई साहब गर्मी में हाल बेहाल हो रहा है, ट्रैफिक में हूँ, ड्यूक भी गर्म हो गया है, मल्हार भी गर्म हो गया है, ऐसा लगता है कि किसने गर्म हीटर का गर्म हवा छोड़ दी है। तो बाइक जो है ये एसी लगानी है, उप्स डाल दो अंदर। सो गाइज आई होप आपको ये सिनेमेटिक शॉट अच्छे लगे रहेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन हुआ गया है। वेल ये जो डेकोरेशन है ये क्यों हुआ है, क्योंकि आज मेरे एक खास शख्स का बर्थडे है तो मैंने सोचा कि उसको ऐसा मैं सरप्राइज दूँ। वो शख्स कौन है वो मैं अभी ब्लॉग में नहीं कह सकता बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस, प्राइवेसी रीजंस, फिर फ्यूचर में मैं जरूर बताऊंगा कि वो शख्स कौन था। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि इतना अच्छी तरीके से डेकोरेशन किया है। वेल इस सारे डेकोरेशन का क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन फ्लाई होटल्स को। यस गाइज रियली रियली थैंक्स ड्रैगन फ्लाई होटल इतना अच्छे तरीके से डेकोरेशन करने के लिए। गाइज अगर आपको भी ऐसे कौन से भी ओकेशन सेलिब्रेट करने हैं देन ड्रैगन फ्लाई होटल्स को जरूर कॉन्टेक्ट करना, ये अंधेरी में है, डिस्क्रिप्शन पे इनकी लिंक है। अगर आपके किसी लव वंस का बर्थडे नजदीक आ रहा है, एनिवर्सरी नजदीक आ रहा है तो यहाँ पे आके उनको सरप्राइज जरूर देना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने सभी सरप्राइज दूंगा बट वो मैं अभी ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस, काश मैं कर पाता बट एनीवेज बहुत अभी आगे मजा आने वाला है। बट अगर मैं और उनका रिएक्शन शेयर करता तो और मजा आता, बट एनीवेज सो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने किया। और गाइस लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कुछ इस तरीके से प्लान किया है एंड यस कोई तो आया शायद से। सो गाइस अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में और ये फर्स्ट पी वर्जिन मोहितो मंगाया गया है और ये है पीना कोलाड़ा। पीना कोलाड़ा बेस्ट यार, बेस्ट। और ये है क्या है, ये पोटैटो क्रिस्पी। ऑलराइट सो मैंने चिकन क्रिस्पी ट्राई किया तो फर्स्ट टाइम आज मैं पोटैटो क्रिस्पी ट्राई कर रहा हूँ। गाइस बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, नेक्स्ट टाइम से पनीर चिल्ली को हाथ भी लगाऊंगा नहीं अगर मैं किसी वेजिटेरियन पर्सन के साथ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पोटैटो ही मंगाऊंगा क्योंकि पोटैटो का अलग ही टेस्ट आ रहा है। ये क्या है ब्रो? ये है आपका वेज वेज नाम भी पता वेज नहीं वेज होता है वी वेज ओके। और ये है वेज फ्राइड राइस नहीं नूडल्स, यस मैं भी फ्राइड राइस बोल रहा हूँ। एनीवेज ठीक है सब। तो गाइस अभी मैं ड्रैगन फ्लाई होटल्स के रूफ टॉप पे आ चुका हूँ और जब मैंने ये नजारा देखा तो लिटिल आई वाज लाइक यार कब मेरी जल्दी शादी हो रही है, कब मेरी एनिवर्सरी। मेरी शादी होने की जरूरत नहीं है, बर्थडे पार्टी भी आप आपके लव वंस के सेलिब्रेट यहाँ पे कर सकते हो। सो कुछ ये है व्यू, अरे सब ब्लर हो रहा है। हाँ अब मैं ब्लर होगा चलूंगा क्योंकि एकदम बहुत ही बढ़िया शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से मेरे को ना। अभी जस्ट हाल ही में अभी राजस्थान गया था तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं अभी जयपुर में हूँ और यहाँ पे शायद से किसकी तो अभी एनिवर्सरी जैसे आप देख सकते हो। एनीवेज एंड यस और थोड़ी अब तो शाम हुई नहीं है, अभी शाम के बज रहे हैं 5, मतलब शाम ही हो गई है, मतलब वो गोल्डन आवर अब तक शुरू नहीं हुआ है। गोल्डन आवर के वक्त भी और शानदार नजारा रहेगा यहाँ पे, यहाँ की लाइटिंग्स एंड ऑल। यहाँ पे मैं ड्रोन उड़ाने का सोच रहा था पर नज़दीकी एयरपोर्ट है तो बिकॉज ऑफ ड्रम्स एंड डीजीसीए मेरा ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। सो या सो गाइस कुछ ये दिखा हमें
विल यू मैरी मी? लगता है कोई किसी को प्रपोज करने वाला है यहाँ पे शादी के लिए. और जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे है कैंडल लाइट और ये व्यू. रात में शायद से इसका अच्छा नज़ारा रहेगा. यहाँ पे प्रोजेक्टर, उनकी शायद से वीडियो चलेगी. सो डे स्पेंट वेल, रियली वेल. एंड राइट नाउ इट इज 6:12 इन द इवनिंग. आई गेस ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू लंदन. फ्रोजन 17. वाह यार. टाइम गाइस 1124 मतलब 1000 के ऊपर मेरा मल्हार का टैंक फुल हुआ है. एकदम जीरो था ही नहीं कुछ. मेरे मल्हार का हो गया पेट फुल. और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे सलमान खान मत बोलना क्योंकि मैं सलमान खान नहीं हूँ, हमें मुस्लिम. हो गई है शाम और आज मम्मी के साथ जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए. तो मम्मी चलो जाते हैं. ये जो गाड़ी है ना, ये वाली अपनी है. मंजे वैन है, इसमें सब सामान रहेगा ना. टेंशन मत करो, तू वो किडनैप नहीं कर रहा, आ जाओ. हाँ मेरा दोस्त भी है हर्ष, ठीक ना. किडनैप नहीं कर रहे ना मम्मी को? नहीं नहीं बोलना नहीं. मैं किडनैप कर रहा हूँ, मारेगी धड़ाधड़. और मम्मी आपको सिर्फ मेरे ना एक चैलेंज है, कंप्लीट कर पाओगे आप? सिर्फ 10 मिनट दिए है आपको. 10 मिनट में आपको जितना शॉपिंग करना उतना करो, उतना मैं पे करूंगा. 10 मिनट में नहीं होएगा. 10 मिनट में नहीं होएगा. 15 चलो चलो 5 मिनट एक्सटेंड किया आपके लिए. 25 मिनट इतना. 25 मिनट नहीं तो फिर क्या चैलेंज हो गया. 15 मिनट या 15 मिनट में आपको जितना शॉपिंग करना उतना करो. मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जो है ये चैलेंज हारने वाली है क्योंकि 15 मिनट में कोई शॉपिंग कर नहीं पाएगा. और ये मैं ट्रॉली खींच के मम्मी को दे रहा हूँ. जल्दी करो, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास. मम्मी 10 मिनट हो गए, अब तक तुमने इतना सामान भर लिया है. थामना क्या, थामना थामना. 10 मिनट हो गए मम्मी, और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं. सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट. क्या मम्मी तुम हार गए यार, आधा घंटा हो गया. सामान के अजून घ्यायचा आहे मला. और लेना है? इतना क्या लेना है, इतना सामान लिया है. और सामान कम पड़ रहा है क्या? किधर देख रही हो? इधर तो देखो यार. नो अबिल, चैलेंज के अनुसार मम्मी तुम हार गई हो. बट एनीवेज फिर मम्मी चैलेंज हार गए हो. आप लोग में आपने कुछ चीज नोटिस की, फाइनली मेरे ब्रेसेस निकल गए हैं. 2 साल लॉकडाउन के कारण 1 साल और एक्सटेंड हो गया. ब्रेसेस थे मेरे दांतों पे और अभी सारे दांत एकदम हो गए हैं सेटल्ड अच्छी तरीके से. सो बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली. मतलब मैंने 3 साल बीच में दांत नहीं था, ऐसी ब्लॉगिंग की थी मैंने. वो लोग बोलते थे कि बिना दांत का ब्लॉग, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे मेरे दांत को लेके. बट वो कमेंट्स भी नहीं है, बट सब्सक्राइबर्स है आप एवियंस. सो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम ID avi_tube जाके मुझे फॉलो करना. बाय.